हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम 360 से डिवाइड करते हैं। 2 बार गया, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, आप इसको माइनस करिए तो 150 आएगा। अब हम इसको लिखेंगे कॉस, 360 को लिखा जाता है 2 पाई, क्योंकि 180 जो होता है वो पाई होता है, और आप इसमें 180 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री, यानी ये हो गया 2 पाई। क्लियर? 2 पाई प्लस 150। अब 2 पाई प्लस 150 यानी ये आपका 90 डिग्री तक है, ये 180 तक है, ये 270 तक है, और ये 360 तक है। क्लियर? इसके अलावा इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा, या फिर 90 प्लस थीटा। क्लियर? ये है 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, ये है 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, और हम इसको माइनस थीटा भी लिखते हैं इस क्वाड्रेंट को, फोर्थ वाले को। क्लियर? तो 2 पाई प्लस 150 यानी 360 प्लस थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा होता है, साथ ही साथ होता है 360 प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कॉस 150। क्लियर? अब इसको हम फिर चेंज करेंगे, तो ये हो गया कॉस पाई माइनस 30, 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पर आ गया, क्योंकि 180 को हम पाई कहते हैं। ठीक है? और इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो माइनस रूट 3/2। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube के चैनल सोनिका आनंद पे जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको इस तरह से स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, आप प्रोफाइल की प्लेलिस्ट से सर्च कर सकते हैं।